Welcome to VLearn Virtual Learning Network. Hello students. This is session number 22 of Constitution of India and Ethics. Today the topic is Concept of Ecology, Structure and Functions of Ecosystem. Topics to be covered under it: introductory part, then concept of ecology, structure of ecosystem and functions of ecosystem. What do you understand by ecology? उस पे हम आएंगे introductory part में. Environment consists of living and non-living components. Every organism on this earth has some interaction with the other organism and the non-living thing on this earth. So, environment तो हमने पिछले chapter में भी पिछले session में भी किया है कि environment क्या होगा. इन्वायरमेंट बना हुआ है एक लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों से मिलकर, और जो लिविंग बीइंग है वो अपने दूसरे लिविंग बीइंग के साथ भी इंटरेक्ट करता है और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी इंटरेक्ट करता है. इनकी आपस में इंटरडिपेंडेंस है. कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली रह सके विदाउट इंटरेक्शन विद एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग. मैन भी कभी ऐसे ही है. मैन भी इस एनवायरनमेंट का एक पार्ट है. तो उसको जितने भी हमारे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं और कैसे उनकी इंटरेक्शन होती है उन सब के बारे में मालूम होना जरूरी है. तो इकोलॉजी इज वन सच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. इकोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो हैं हमारे एनवायरनमेंट के उनकी इंटरेक्शन के बारे में डील करती है. इकोलॉजी वर्ड जो है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है. एक है ओइकोस एंड एक है लॉगस. ओइकोस का मतलब है होम एंड लॉगस का मतलब है स्टडी. सो स्टडी ऑफ द होम, स्टडी ऑफ द सराउंडिंग्स, जहां पे आप रहते हो उन सराउंडिंग्स की स्टडी को, एनवायरनमेंट की स्टडी को हम इकोलॉजी कहेंगे. इकोलॉजी जो टर्म है ये अर्नेस्ट हैकल ने दी है. इकोलॉजी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं: द स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड देयर इंटरेक्शन. ईपी ऑडम इकोलॉजी को इस तरह से डिफाइन किया उन्होंने बाद में: द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम. क्या स्ट्रक्चर है हमारे इकोसिस्टम की जहां हम रहते हैं, उसके सराउंडिंग्स की, एनवायरनमेंट की, एंड देन व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है इकोसिस्टम. Ecology has many subdivisions such as plant ecology, animal ecology, or ecology and syn ecology and habitat ecology. Eco word जो है वो आपको समझाया गया है जैसे कि it is taken from the home. The most interesting area of ecology is the study of man-environment relationships and especially the facts of man on environment which adversely affect the environment. कि क्या human beings ने environment को effect कैसे किया है और क्या उसके adverse effects हैं environment के ऊपर, उसके बारे में सबसे ज्यादा interesting जो area है वो ecology में हम पढ़ते हैं. पहले सबसे पहले ecosystem, आपको ये term clear होनी चाहिए क्योंकि हमने कहा है the study of the structure and function of ecosystem is ecology. तो इकोसिस्टम किसको कहते हैं? इकोसिस्टम वर्ड जो है ये एजी टेंसले ने 1935 में दिया. इकोसिस्टम है इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर. बायोस्फीयर हमने कहा था जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, अर्थ का वो पार्ट जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं. इट इंक्लूड्स लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर. तो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है जिसका स्ट्रक्चर भी है और जो फंक्शनली भी रिलेटेड है यूनिट ऑफ बायोस्फीयर को हम इकोसिस्टम कह देते हैं. इकोसिस्टम इज अ सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एग्जिस्ट्स
एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर. Thus, an ecosystem represents a system which is energy based, capable of energy transformation, accumulation and circulation. तो ecosystem में क्या होता है, energy produce भी की जाती है, energy एक form से दूसरी form में transform भी की जाती है, उसको accumulate भी किया जाता है और circulate भी होती है. Basically, energy transducer भी है और energy transform होकर, accumulate होकर, circulate होकर और ये complete एक cycle भी form करते हैं. तो इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि एनर्जी बेस्ड है और जिसमें एनर्जी के साइकिल्स चलते हैं. इकोसिस्टम आर कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर विद देयर एनवायरनमेंट सच दैट एनर्जी इज एक्सचेंज्ड एंड सिस्टम लेवल प्रोसेसेस सच एज द साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स इमर्ज. ये डिफरेंट साइकिल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. इकोसिस्टम में क्या होता है, एनर्जी के साइकिल्स चलते हैं, एनर्जी एक्सचेंज की जाती है, हर लेवल पे एनर्जी एक्सचेंज होती है. जो बॉटम लेवल होता है उसके पास मैक्सिमम एनर्जी रहती है, पिरामिड्स की फॉर्म में हमारे पास एनर्जी होती है और टॉप मोस्ट लेवल के पास लेस एनर्जी होती है. तो इकोसिस्टम्स आर अ लेवल अबव दैट ऑफ द इकोलॉजिकल कम्युनिटी. ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इंटरेक्टिंग विद ईच अदर बट ऑल आर एट अ लेवल बिलो आर इक्वल टू biomes and the biosphere. Ecosystem are a level above that of ecological community. Ecosystem तो जो भी ecological community है उससे एक level above रहता है, but एक level below रहता है biome से और biosphere से. ये आगे आपको trophic levels जब समझाए जाएंगे तो उसमें ये explain किया जाएगा कि energy levels, जो different energy levels हैं उनको हम different trophic levels बोल देते हैं, तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन आगे होगी. इकोसिस्टम्स मे बी ऑब्जर्व्ड इन मेनी पॉसिबल वेज, सो देयर इज नो वन सेट ऑफ कंपोनेंट्स दैट मेक अप इकोसिस्टम. ऑल इकोसिस्टम्स मस्ट इंक्लूड बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, देयर इंटरैक्शंस एंड सम सोर्स ऑफ एनर्जी. इकोसिस्टम्स पॉन्ड इकोसिस्टम होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, तो बहुत सारे इकोसिस्टम्स होते हैं. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हम लैंड रिलेटेड होते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट साइकिल होते हैं और हर लेवल पे उस साइकिल में एनर्जी होती है. तो एक कंप्लीट कंपोनेंट्स होते हैं, जो एक पूरा कंप्लीट सेट ऑफ कंपोनेंट्स हैं जो एक इकोसिस्टम को बनाते हैं. तो इसमें दोनों बायोटिक फैक्टर्स भी हैं, एबायोटिक फैक्टर्स भी हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन है और कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो वो सब मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं. ये जो मैं आपको लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करती थी, हम वहां पर आ जाते हैं. द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मैटर इज एटम्स. एटम्स से हमने स्टार्ट किया, नीचे से सबसे द लोएस्ट लेवल इज एटम्स. एटम्स कंबाइन कर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर प्रोटोप्लाज्म सेल बनता है. सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. बहुत सारे सेल्स कंबाइन होकर एक टिश्यू बनाते हैं, वो टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स ले लीजिए, किडनी, लिवर, हार्ट, उन सबको मिला दीजिए तो एक ह्यूमन बीइंग कंप्लीट बन जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म कंप्लीट बन जाएगा, एक लिविंग बीइंग बन जाएगा. और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलकर पॉपुलेशन फॉर्म करते हैं और डिफरेंट पॉपुलेशंस एक पर्टिकुलर जो स्पेस में एक पर्टिकुलर जगह पर रहती हैं, वो एक कम्युनिटी फॉर्म करते हैं. उनके आपस के कल्चर एक जैसे होते हैं, रहना, रीति रिवाज, कस्टम्स एक जैसे होते हैं और बहुत सारी कम्युनिटीज आपस में मिलकर एक इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं. इकोसिस्टम के ऊपर का लेवल है, इकोसिस्टम इज वन लेवल बिलो देन बायोम्स एंड बायोस्फीयर्स, जिसमें हम तीनों फैक्टर्स ले लेते हैं. बायोस्फीयर में इट इज द एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट, वो बायोस्फीयर का पार्ट है. तो उसके बाद बायोस्फीयर के बाद अर्थ, कंप्लीट अगर हम सारे सिस्टम को ले लें, सब कुछ इंक्लूड कर लें, द अनइनहैबिटेटेड एंड हैबिटेटेड पार्ट दोनों अगर इंक्लूड कर लें तो कंप्लीट अर्थ बन जाएगी, फिर सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, यूनिवर्स. दिस इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम. ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ ह्यूमन बींग, नॉन लिविंग, लिविंग, सब कुछ मिलाकर हमारे यूनिवर्स के डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. तो इसमें इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग एंड देयर इंटरेक्शन, ऑर्गेनिज्म से हम स्टार्ट करेंगे और बायोस्फीयर तक,
दैट कम्स अंडर इकोलॉजी. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? सबसे पहले हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं. सन की एनर्जी आती है एंड देयर आर ग्रीन प्लांट्स विच हैव क्लोरोफिल, दे प्रोड्यूस फूड. फिर कंज्यूमर्स हैं जो कंज्यूम करते हैं फूड को. दीज मे बी ह्यूमन बीइंग्स और अदर ऑर्गेनिजम्स. देन कम्स डीकम्पोजर्स. इन कंज्यूमर्स को खाते हैं डीकम्पोजर्स, वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनकी डेड बॉडीज को खाते हैं. डीकम्पोज होने के बाद ये जो नॉन लिविंग मैटर है, इनऑर्गेनिक है, दैट इज यूज टू प्रोड्यूस फूड, टू प्रोड्यूस एनर्जी. सन की हेल्प से और नॉन लिविंग मैटर की हेल्प से अगेन फूड इज प्रोड्यूस्ड एंड इट इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ एनर्जी हियर. एंड आप देख सकते हैं कि दोज एरोज विच आर इंडिकेटेड येलो, इनमें एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है. और जो हमारे एनर्जी लॉस वाले हैं, प्रोड्यूसर से कुछ एनर्जी लॉस हुई, कुछ कंज्यूमर से लॉस हुई, कुछ डीकम्पोजर से लॉस हुई, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म भी होती है और कुछ लॉस भी होती है. और मैटर कहाँ कहाँ शिफ्ट हुआ? जो ब्लू एरो है वो मैटर को इंडिकेट करता है. तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में गया मैटर, कंज्यूमर से डीकम्पोजर में, डीकम्पोजर से नॉन लिविंग मैटर, और फिर प्रोड्यूसर के पास फाइनली पहुंचा. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम. इसको अगर हम एक्सप्लेन करें, द सिंपलेस्ट ऑफ इकोसिस्टम माइट देयर ऑफ कंटेन जस्ट अ सिंगल लिविंग प्लांट within a small terrarium exposed to light to which a water solution containing essential nutrients for plant growth has been added. The other extreme would be the biosphere which comprises the totality of earth's organisms and their interaction with each other and the earth systems. ये वो ही structure है सारी की सारी, वो जो explain की गई है, जो हमने आपको एक diagram form में बताई है, कैसे एनर्जी ट्रांसफर होता है, कैसे मैटर ट्रांसफर होता है, कहाँ एनर्जी का लॉस होता है, ये सब वो स्टेजेस हैं. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जब इनऑर्गेनिक मैटर्स दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर इनऑर्गेनिक केमिकल्स को ऑर्गेनिक फॉर्म में लाया जाता है, ग्लूकोज की फॉर्म में लाया जाता है, वो दैट इज डन इन अ ग्रीन प्लांट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. सो सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड टूगेदर in the presence of water to form food, glucose plus oxygen, and oxygen is also released, it is very important. Then consumers feed on this captured energy, and decomposers not only feed on this energy but also break organic matter back into inorganic constituents which can be used again by producers. जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसमें सबसे important बात ये है, these interactions among producers and the organism that consume and decompose them are called trophic interactions. Har level ki interaction ko hum ek trophic level bol dete hain, and in an energy pyramid with most energy and mass in the primary producers, primary producer mein sabse zyada base pe maximum energy hogi. There are higher levels of feeding on top of this. Then primary consumer se hum jayenge प्राइमरी प्रोड्यूसर से हम जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स पर, फिर एनर्जी लॉस जो है कम हो जाएगा यहाँ पर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उसके बाद एनर्जी और कम हो जाएगी, देन द एनर्जी लेवल विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ पिरामिड एंड एनर्जी लेवल विल डिक्रीज. एक फूड चेन में जो ट्रॉफिक इंटरेक्शंस होती हैं वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की जाती हैं. Which organizes उस food chain एक specific organisms के साथ चलती है, that is by their trophic distance from primary producers, by food webs which detail the feeding interactions among all organisms in an ecosystem. Together these processes of energy transfer and matter cycling are essential in determining ecosystem structure and function and in defining the types of interactions between organisms and their environment. So ecosystem में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कैसे matter transfer होता है, कैसे energy transfer होती है, उनकी क्या आपस में interaction रहती है different different levels की, organism की environment के साथ या एक organism की दूसरे organism के साथ कैसे interaction रहती है, that is very important. ये ecosystem के आप function देखेंगे, इसमें अलग अलग
जैसा कि आपको पहले भी बताया है, कार्बन साइकिल है। कार्बन किस फॉर्म में फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर टू कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाता है, फिर कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में, कंज्यूमर से डिकम्पोजर में जाता है, फिर फाइनली फिर वो ऑर्गेनिक स्टेट से फिर इनऑर्गेनिक फॉर्म में कैसे आता है, तो उसको सारा को कार्बन साइकिल में एक्सप्लेन किया गया है। द वेरी इंपॉर्टेंट फॉस्फोरस साइकिल इज देयर, वन वे फ्लो ऑफ एनर्जी इन सब में होती है, नाइट्रोजन साइकिल, देन वाटर साइकिल, देन ऑक्सीजन साइकिल, ऑल दीज आर डिफरेंट साइकिल्स, इनमें डिफरेंट लेवल के ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व रहते हैं और फाइनली इनमें एनर्जी और मैटर का ट्रांसफर होता है एंड हीट प्रोड्यूस होती है इसमें। दिस इज ऑल अबाउट इकोसिस्टम फंक्शन, साइक्लिंग ऑफ मैटर, वन वे फ्लो ऑफ एनर्जी। नाउ फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, एक तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है और एनर्जी फ्लो होता है, जो आपको मैं शुरू से एक्सप्लेन करती भी आ रही हूँ। न्यूट्रिएंट साइकिल में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स कैसे मूव करते हैं, सबसे पहले ऑटोट्रॉफ्स होंगे। ऑटोट्रॉफ्स क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को लिया, ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट किया। फिर ऑटोट्रॉफ जो अपना फूड प्रोड्यूस खुद करते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ग्रीन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। देन हेटरोट्रॉफ्स आ गए, हेटरोट्रॉफ्स क्या करेंगे, ऑटोट्रॉफ्स ने जो ऑर्गेनिक फूड बनाया उसको कंज्यूम करेंगे। एंड उसके बाद न्यूट्रिएंट अगेन एनवायरनमेंट में ऐड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजर्स। दिस न्यूट्रिएंट साइकिल अकर्स फ्रॉम एबायोटिक एनवायरनमेंट टू बायोटिक कंपोनेंट एंड अगेन टू एबायोटिक फॉर्म। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन एन इकोसिस्टम। देन देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है फोटोसिंथेसिस में। कंज्यूमर गेट एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर, इन दिस वे एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। सो इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू डीकम्पोजर। और हर स्टेप में जैसे मैंने आपको बताया कि एनर्जी का लॉस रहेगा, मैक्सिमम एनर्जी ऑटोट्रॉफ्स के पास होगी, कुछ एनर्जी जो ऑटोट्रॉफ्स यूटिलाइज कर लेंगे फॉर रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, रिमेनिंग एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कर देंगे। इसी तरह से हेटरोट्रॉफ भी कुछ यूज करेंगे और कुछ ट्रांसफर कर देंगे, इसी तरह फिर आगे डीकम्पोजर्स आ जाएंगे। द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर इंटर रिलेटेड इन द सेम वे, डिफरेंट इकोसिस्टम्स एक्सचेंज बायोटिक एंड एबायोटिक मटेरियल। सो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी फ्लो। देन देयर इज अनदर टॉपिक दैट इज सिबरनेटिक्स। इकोसिस्टम मेंटेन्स अ फंक्शनल बैलेंस बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स। एक फंक्शनल बैलेंस मेंटेन करना जब फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मैटर हो रहा है तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। उस फंक्शनल बैलेंस को हम कहते हैं होमियोस्टासिस, और इट इज अचीव्ड बाय अ नंबर ऑफ लिमिटेशंस कॉल्ड सिबरनेटिक्स। उसकी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई भी स्पीसीज दे कैन नॉट, देयर नंबर कैन नॉट इंक्रीज बियॉन्ड अ लिमिट, क्योंकि वो अपनी ग्रोथ को खुद ही रोकते हैं। जैसे कि हम एक थ्योरी ले लेते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो जो उस एनवायरमेंट के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं और दूसरे मर जाते हैं। सो एक पर्टिकुलर लिमिट के बियॉन्ड एक स्पीसीज का ग्रोथ नहीं होता है। देयर इज अ कंटीन्यूअस साइकिल कि कुछ न्यू बर्थ होंगे और कुछ जो है ओल्ड वाले वो जाएंगे। सो दैट देयर शुड बी नो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो। ये तो नेचर का लॉ है कि कोई आएगा और कोई जाएगा। दिस इज वॉट एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज ऑल्सो फॉलोइंग, एंड सिबरनेटिक्स इज ऑल्सो टेलिंग अस अबाउट द होमियोस्टेसिस। सो देयर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू पीपल, वॉट इज इकोलॉजी एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। थैंक यू, हैप्पी वी लर्निंग।